हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्राउन राइस से बनने वाली बहुत ही हेल्दी रेसिपी नवरत्न पुलाव। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरत्न पुलाव बनाने के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून जितना घी गरम कर लेंगे। घी गरम हो जाने के बाद हम ऐड करेंगे, देखिए ये हमारे नवरत्न तैयार है। पहले हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, आलमंड, कैश्यू, रेजिन्स और वॉलनट अखरोट। इसको पहले हम सौते कर लेंगे। ड्राई फ्रूट सौते हो जाने के बाद उसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। अब हम ऐड कर लेंगे पनीर, उसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक घी में शैलो फ्राई कर लेना है। शैलो फ्राई कर लिए हैं, उसको भी प्लेट में निकाल लिया है। अब हम ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने लिए हैं कैरेट, वन मीडियम साइज चॉप पोटैटो और ग्रीन बीन। 3 से 4 मिनट बाद ये सब सब्जियां पक चुकी है। अब उसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून जितने ग्रीन पीस और उसको 1 मिनट तक सौते कर लेंगे। सारी सब्जियां पक जाने के बाद उसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। सेम घी में ऐड कर लेंगे मसाले, बे लीफ, हाफ टेबल स्पून जितना क्यूमिन सीड, ग्रेटेड कोकोनट, इसमें ऐड कर लेंगे ये ब्राउन राइस। ब्राउन राइस जो होते हैं नॉर्मल राइस से बहुत ही फायदेमंद होते हैं, क्योंकि उसमें जो सफेद राइस में ऊपर की परत होती है वो निकाली जाती है बहुत सारी प्रोसेस करके, जो ब्राउन राइस में नहीं होती। इससे उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही बढ़ जाती है, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, तो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए और वेट लॉस के लिए बहुत ही परफेक्ट होते हैं। तो हफ्ते में उसको 2 से 3 बार बना लेना चाहिए। अब हम ऐड करेंगे विटामिन B12 रिच पनीर, बहुत सारे हाई क्वालिटी प्रोटीन रिच, ड्राई फ्रूट्स, विटामिन रिच सब सब्जियां और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार सॉल्ट और 1/4 टीस्पून जितनी इलायची पाउडर। रेडी हो चुके हैं हमारे ब्राउन राइस, उसको 1-2 मिनट तक पकने देंगे। तो तैयार हो चुके हैं हमारे शाही नवरत्न पुलाव, उसको हम बाउल में निकाल देंगे। पुलाव को हम गार्निश करेंगे थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन और कोरिएंडर लीव्स के साथ, और ऊपर से हम उसमें ऐड कर लेंगे थोड़े से गरम घी में केसर मिलाकर उसको एकदम शाही लुक दे देंगे। तो रेडी है हमारी रेसिपी नवरत्न पुलाव। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो उसे लाइक शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।